हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं कैसे आप बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड, आपने सुना होगा कि सभी में KYC अगर आप किसी दुकान में चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर बोलता है कि भैया मोबाइल नंबर लगा तभी मैं आपका आधार कार्ड निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो इस टेक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे आप बिना मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर नहीं है, जुड़ा भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो गया है उसकी कोई टेंशन नहीं लें। आपको सिंपली आपका आधार कार्ड आपका 5 दिन में घर में आ जाएगा कुरियर द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या चार्ज लगे, इसके लिए आपको क्या चार्ज लगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सिंपली नॉर्मल तरीके से आप इसको समझते जाइए कि आपको आधार कार्ड के साइट पे जाना है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, और UDI के माध्यम से भी जैसे मैंने किया अभी आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन आप नीचे साइट में जाएंगे तो ये आधार ऑनलाइन सर्विस में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ से आप आधार कार्ड डाउनलोड करते थे, यहाँ पे चेक आधार सर्विस स्टेटस वगैरह जो आप यहाँ देख रहे हैं, कर्जत दिख रहा है, तो ऑर्डर आधार रिप्रिंट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है इसके नीचे, ये इसके सामने ये दिख रहा है। ये फ्रेंड अभी साइड से थोड़ा हट जाएगा, ये अब आगे इस साइड भी आने वाला सुन रहा हूँ मैं, आगे आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आधार कार्ड नंबर आपको इसमें डालना है, जैसे भी आप ऑर्डर आधार रिप्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है या वर्चुअल आईडी कोई भी एक चीज़ डाल देनी है। तो आप आधार नंबर डाल दीजिए, वर्चुअल आईडी कोई भी डाल दीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल जो इंटर सिक्योरिटी कोड डालना है, तो इससे फ्रेंड होगा आपका मोबाइल नंबर लगा हो या ना लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओनली 50 रुपये पे करना है, आप कस्टमर से 100 रुपये 150 रुपये जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। आप अपना मंगाना चाहते हैं स्वयं का तो आप 50 रुपये पेमेंट करके मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको इसमें सिक्योरिटी कोड डालना है, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद नीचे आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है, यानी कि इस ऑप्शन का मतलब है मेरे पास कोई एक आपको नंबर देना पड़ेगा। तो आप कोई भी अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे सकते हैं, डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे, नीचे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं कोई कोई वैसा नंबर डाल दे रहा हूँ कोई भी जो मेरे पास नहीं है, तो मैं कस्टमर का नंबर डाल रहा हूँ। तो इसके बाद सेंड OTP क्लिक कर दूंगा, आपको OTP वेरीफाई करना है, इसके बाद नीचे सेंड OTP क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपके फ़ोन पर OTP चली जाएगी। तो जहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेंड OTP पे, तो आपको इसमें बगल में साइड में दिखता है जो इंटर OTP पे, यहाँ पे आपको OTP नंबर डालना जो आपके मोबाइल पे 6 अंकों कोड जाएगा। तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे कोड, मैं इंटर कर रहा हूँ जो मेरे फ़ोन पे आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड जो कोड आया है तो मैं डाल दे रहा हूँ, इसके बाद टर्म कंडीशनल को अप्लाई कर रहा हूँ, टिक मार कर रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस प्रकार का आ जाएगा आधार कार्ड लेटर, यानी कि आपका जो है इस प्रकार से रिव्यू है, प्रीव्यू दिखा रहा है दे रहा है कि नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से आप सिर्फ इतना, और इसमें क्रॉस लगा हुआ आएगा आपका बिल्कुल घर में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल मोबाइल नंबर लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर में आ जाएगा बिल्कुल सेम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं उससे बेहतर आता है, तो आप यही तरीका आजमाइए, और चांस 1 हफ्ते हो जाए यानी कि 5-6 दिन बाद आप टास्क में पता कर लें अपने पोस्ट ऑफिस पे कि आपका आधार कार्ड आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ओनली 50 रुपये आपके कटेंगे। तो आप किसी माध्यम से नेट बैंकिंग अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा कार्ड है आपका, नेट बैंकिंग से भी किसी से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से करने के बाद पे नाउ कर देंगे, जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आप जैसे देखेंगे मैं आपको पूरा स्टेटस बताऊँगा, कार्ड सेलेक्ट कर लें कौन सा कार्ड है आपके पास। कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो इसमें आपको नंबर डालना है, नाम डालना है, CV नंबर और एक्सपायरी डेट डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड मेरा पेमेंट हो गया है, तो आपको इसके बाद एक रिसीविंग जनरेट होगी, यानी कि टोकन नंबर क्या आपको रिसीविंग के रूप में मिलेगा, को आप पता कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है नहीं पहुँचा। तो इस प्रकार से आप बता भी सकते हैं, किसी कस्टमर को दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड 50 रुपये कटे हुए और रिसिप्ट नंबर भी है, पेमेंट डेट भी, टाइम सब कुछ, स्टेटस सक्सेसफुल और आधार नंबर सब चीज़ दिख रहे हैं आपको। इसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड मैंने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ये स्लिप होती है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये ट्रैक करने के लिए यूज हो जाएगी फ्रेंड। तो आप इस प्रकार से इसको डाउनलोड कर लीजिए और स्टेटस चेक कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट निकाल के रख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद अगर फ्रेंड मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद
और फ्रेंड आपको वीडियो फ्रेंड पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक जरूर करते जाइए, इससे हौसला बढ़ता रहता है और वीडियो बनाने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपका एक लाइक के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड आप इसको देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको आप प्रिंट ले लीजिए, रिसीव नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड ओके, मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड आप, मुझे तो पता है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया और लाइक भी कर दिया वीडियो को। अगर आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड, लाइक भी कीजिए। ओके मिलते हैं नए वीडियो।